राज्य शिक्षा मंडल की कक्षा दसवीं की परीक्षा के नतीजे बुधवार को घोषित हुए परीक्षा में छात्रों ने दमदार प्रदर्शन किया साथ ही इस साल भी लड़कियों ने अपना परचम लहराया भगवती हाई स्कूल की रुशाली ठाकर ने त्रियासी पॉइंट चालीस फीसदी अंक प्राप्त किए रुशाली ने अपने कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है भविष्य में रुशाली को डॉक्टर बनना है ऐसा रुशाली ने बताया कहते हैं कि हीरा एक कोयले से निकलता है और उस हीरे को जोहरी तराशता है तो वो हीरा सबसे सुंदर आकर्षक दिखता है जिसे कोहिनूर हीरा कहते हैं जी हाँ हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक परिवार की जहाँ पे माता पिता मजदूरी का काम कर अपने बच्चों का और अपना गुजर बसर करते हैं कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब डायमंड नगर में रहने वाले एक ऐसे परिवार की एक कहानी है जहाँ इस परिवार के एक लड़की ने जिसका नाम रुशाली ठाकर है इसने दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए काफी पढ़ाई की और हाल ही में एसएससी बोर्ड के रिजल्ट घोषित हुए उसमें अच्छा अवलंक प्राप्त करते हुए दसवीं बोर्ड परीक्षा का परचम लहराया है अपने घर की माली हालात को देखते हुए कुछ कर गुजरने की तमन्ना इस लड़की में है भविष्य में ये डॉक्टर बनना चाहती है इसके लिए वो अभी से कड़ी मेहनत करते हुए इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से मार्गदर्शन ले रही है वो पढ़ लिख कर समाज की सेवा करना चाहती है और माता पिता का सहारा बनना चाहती है माजे अरुण अरुणकर है मी न्यू डेबंद नगर खरबीर और रामपुर रह इतना रहते मजे शाड़े नाव भगवती गर्ल्स हाईस्कूल है मी या वर्षी भगवती गर्ल्स हाईस्कूल मधु दाबी की परीक्षा दिल्ली मला दहावीमध्ये नाइंटी नाईंटीची होप होती पण कुठेतरी मी कमी पडली तर मला एटी थ्री पॉईंट फोर्टी पर्सेंट मिळाले या कारण माझे ज टीचर्स आहे स्कूलमधले त्यांनी त्यांनी मला खूप सपोर्ट केलं फुल सपोर्ट केलं आणि माझ्या घ आणि माझ्या फॅमिली मेंबरनी पण खूप सपोर्ट केलं त्यांमुळे मला एटी uh, थ्री पर्सेंट मिलाले आता अकरा बाराही साइंस कराया जाए नंतर मला डॉक्टर के मध्य जाए कहते हैं ढूंढने वालों को रोशनी मिलती है और नहीं ढूंढने वालों को अंधेरा कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट न्यूज नागपुर